गजब हार्ड है यार। इसको पैकेट बना के वाकई भारी यार वो की वो स्मेल। सो गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुमी ट्राइब का जो फर्मेंटेड अखूनी होता है वो कैसे बनाया जाता है। पूरा प्रोसेस हम अच्छे से बनाएंगे, स्टेप 1 से लेके स्टेप आखिरी स्टेप तक। सो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें भैया। सो यार हम तो अभी अंदर एडिटिंग वगैरह कर रहे थे और अभी बजे भाई रात के 10। अंकल आए हमारे पास, अंकल ने बोला कि हम अभी अखूनी बना रहे हैं। तो अखूनी भाई यहाँ का बहुत ही फेमस होता है, वो मतलब फर्मेंटेड होता है, उसका कितना सोयाबीन से बनता है। तो इतना अच्छा मौका हम कैसे चूक सकते हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं नागालैंड का जो स्पेशल अखूनी होता है वो कैसे बनता है। चलिए लेट्स सी कैसे बनाते हैं। अरे वाह लाइट अच्छा लगा दिया अंकल। व्हाट इज़ द प्रोसीजर? We buy from market soybean, okay, 1.5 kg. After that make boil. Okay, make it boil. Okay, then take it down and put it in basket from here. Okay. So भैया 1 किलो मार्केट से लेकर आए, जैसे सोयाबीन है ठीक है, उसको किया बॉईल करने के बाद फिर उसको इस बकेट में है ना, ओके, इस बकेट में। अब क्या करेंगे? उसके बाद 3 दिन रहेगा। 3 दिन ये ऐसे ही रहेगा? 3 डेज। अच्छा, उसके बाद निकल गया, मेहन करेगा। अच्छा, तो इसको 3 दिन इसी में रखेंगे बास्केट में, और मतलब ऐसे ढक के ही है ना पूरा, और उसके बाद उसको पीस देंगे भैया पूरा अच्छे से। हॉर्नबिल फेस्टिवल था या नागालैंड के हर मार्केट में मिल जाता है। एक डब्बा आता है करीब 100 रुपये या 180 रुपये समथिंग का एक बॉक्स आता है, तो वो भी आप पका पकाया भी ले सकते हैं। और देखो यार अंकल ने लाइटिंग का कितना अच्छा इंतज़ाम किया है क्योंकि अंकल को फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, तो इसीलिए अंकल मतलब क्या बताया यार, मज़ा आ गया। मतलब यहाँ आके बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है और आपको देखने को भी। अच्छा ये पत्ते भी लाए, ओके। अंकल विच लीफ इज दिस? ओके, फ्रॉम फॉरेस्ट, ओके। उस लीफ को अच्छे से धोया जा रहा है। ये इसमें जो सोयाबीन है ये 3 दिन ऑलरेडी रखा हुआ था, और अब इसको इस टोकरे से निकाल के इसके अंदर डाला जा रहा है, और अभी अंकल बनाएंगे एकदम ऑथेंटिक अखूनी। तो गाइज अभी आप देख रहे हो ये जब इसको कूटा जा रहा है तब भी लार बन रही है, दिख रही है ये लार। तो ये इसीलिए बन रही है क्योंकि ये इसको 3 दिन तक सड़ाया गया है, इस वजह से। और अभी इसको अच्छे से कूट रहे हैं अंकल जी अंकल जी जितना इंटरेस्ट लेके मतलब इसको बना रहे हैं ना, उतना इंटरेस्ट लेके हमको भी देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और शायद ये भैया ये बहुत ही रेयर वीडियो आपको मिलेगा जो सिखाएंगे कि सुमी ट्राइब की जो अखूनी होती है स्पेशल वो कैसे बनाई जाती है, तो इस वीडियो में आपको देखने को मिल रही है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और शेयर करना अगर अच्छा लगे तो। इसको भैया बहुत अच्छे से कूटा जाएगा। कितनी देर कूटेंगे अंकल इसको? हाफ आवर। ओ तेरी 30 मिनट को इसको कूटना पड़ेगा। ओके। तो अंकल आप थोड़ी देर कूटो, थोड़ी देर फिर मैं भी कूटूंगा क्योंकि थक जाएंगे ना यार अंकल, इसीलिए। और ये पूरा वीडियो भैया सिर्फ अखूनी के ऊपर ही होने वाला है, आपका स्पेशल एक्सक्लूसिव वीडियो। अरे भाई गजब हार्ड है यार, चूना सा होता है लाल। तो भैया अखूनी बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो जहाँ पे भी आप हो। और ये देखो ये एक पत्ते को साफ किया जा रहा है, एक पत्ते को, मतलब एक बूंद भी पानी उसमें रहना नहीं चाहिए, अच्छे से साफ कर रहे हैं। और ये देखो ये ऑलरेडी जो बने हुए हैं ना अखूनी के पैकेट्स, तो भैया आप देख सकते हो ये पैकेट के अंदर अखूनी बनाया हुआ है ऑलरेडी। जो अंकल ने ये पत्ते जो है ना लीफ, इस लीफ के अंदर ये डाल के, ओहो भैया देख लो यार इसकी स्मेल वाकई भारी यार वो की वो स्मेल। सच में इसकी स्मेल वाकई में पंजेंट स्मेल आ रही है, जो कि मतलब एकदम से स्ट्रांग होती है। आप सूंघोगे ना एकदम से चढ़ जाएगी नाक में। और मैं जब हॉर्नबिल फेस्टिवल में था ना तो उस समय वो एक डब्बे के अंदर मिल रहा था, करीब 180 रुपीज़ समथिंग में मिलता था इसका पैकेट, एक कितना सा पैकेट था बिल्कुल 180 रुपये में। तो उसमें भी सेम वही वाली स्मेल, और जो पोक वगैरह वो बनाते थे तो उसके अंदर भी वो ये यूज़ करते थे, क्योंकि ये स्पेशल डिश है अपने सुमी ट्राइब की। और ये जो अंकल है ये भी सुमी ट्राइब से है, और जो ये कौन सा जेनिबोटो जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें मोस्टली भैया सुमी ट्राइब के लोग ही रहते हैं। तो वाह यार, ये सच में हमारे लिए एक नई चीज़ है देखने लायक सच में। और भैया इसको तो मैं ट्राई भी करूँगा बाद में। ये 100% वेजिटेबल है, कोई नॉनवेज नहीं है इसके अंदर। सो गाइस ये देखो, ये पत्तों के अंदर इसको भर भर के और इस तरह के पैकेट बनाए जा रहे हैं। इसको पैकेट बना के अच्छी क्वांटिटी, और आंटी जी भी योगदान दे रहे हैं। दैट्स ग्रेट। और अंकल जी दे रहे हैं इसको हीट। अंकल कितना, हाउ मेनी टाइम इट विल टेक हीट फॉर हीट, हाउ मेनी टाइम टिल हार्ड till become hard okay। so भैया इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जब ये हार्ड होता है ये चेक करते रहते हैं, और जब ये हार्ड होता है ना उस समय इसको निकाल देते हैं बाहर। अच्छा, उसको बाहर निकाल देते हैं, ओके ओके। तो बढ़िया है यार कि हम चलो ये लाइव मतलब जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम देख पा रहे हैं। ये हॉर्नबिल में पैकेट में कितना होता है बोला है? 180 रुपीज़ होता है वो, इतना इतना डब्बा आता है जो 200 ml। तो भैया मार्केट में जब आता है ना तब ये काफ़ी महंगा हो जाता है, ये करीब 180 रुपीज़ में बिकता है ये डब्बे में पैकेजिंग वगैरह हो के, लेकिन यहाँ से ये बहुत ही सस्ता मतलब बनता है। तो गाइज़ अगर आपके पास वैसा ओवन नहीं है तो आप मतलब कोई भी जैसे आग वगैरह है वहाँ नीचे जला के फिर ऊपर थोड़ा डिस्टेंस रख के उसको सेका जा सकता है। जैसे अब ये देख लो यहाँ पर ये अखुनी पड़ा है, हालाँकि ये पोक वगैरह भी साथ में है। तो अंकल, हाँ अंकल ले लो, बाहर निकालना है, ले लो अंकल ले लो, निकाल दो। तो ये देखो ये वाला पैकेट वहाँ भी आप रख सकते हो, मतलब कहने का मतलब थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, और वो धीरे धीरे जो आँच आती है ना उस आँच से ये पकना चाहिए, तब जाके ये थोड़ा हार्ड वगैरह होता है। और टाइम लगता है इसमें, ओवन में भी कम से कम इसमें 3 घंटे एक बार में लग जाते हैं, और उसके बाद उसको फिर से नेक्स्ट डे भी उसको करना पड़ता है। तो ये देख लो अभी पूरा ये भैया भर चुका है, ओवन हमारा नीचे जल रहा है, और ये अखुनी बन के तैयार हो जाएगा। फिर अंकल नेक्स्ट डे भी इसको चलाना पड़ता है वापस ओवन को, वो भी 3 घंटे और 3 घंटे 4 घंटे। मतलब यार वाकई में ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सेल करते हो इनको? हाँ सेल करते हैं। तो ये आपका कितने में बिकता होगा एक पैकेट? ये एक पैकेट में 30 रुपीज़ सिर्फ। ओह भैया सिर्फ 30 रुपीज़ एक पैकेट का यहाँ पे इनको मिलता है, लेकिन मार्केट में ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो अभी चलो प्रोसेस तो लगभग आपको बता ही दिया है। तो आप अगर चाहो कुछ अलग खाना, कुछ ऑथेंटिक खाना, तो आप ये अपने घर पे भी बना सकते हो। हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से ये जो सुमी ट्राइब का स्पेशल ऑथेंटिक अखुनी है ये बनाया जाता है। तो अंकल थैंक यू सो मच कि आपने मतलब पूरा प्रोसेस बता दिया शुरू से लेके एंड तक। और अभी आप क्या कहना चाहते हो ऑल नागालैंड की पीपल को, या ऑल मतलब पूरे इंडिया की पीपल को क्या कहना चाहते हैं? ये पूरा आदमी खाता है और लोग भी ये देख के अपना से बना ना सकेगा। हाँ, इस वीडियो को देख के मतलब नागालैंड के लोग और जो भी जितने भी ट्राइब के लोग हैं वो भी इस अखुनी को बना सकते हैं ना, बना सकता है और खा सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। चलो भैया तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस ज़रूर हार्ड है लेकिन इजी है। जिस तरीके से बताया आप, शुरू से आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा। और मैं एक बार और फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से मतलब अगर कुछ रह गया हो तो आपको इस एक छोटे से मैं क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से हमको इसको बनाया था। हमने खरीदा था भैया सोयाबीन खरीद के, जैसे 1 किलो सोयाबीन लिया, उसको हमने किया था बॉयल करने के बाद उस सोयाबीन को इस टोकरे के अंदर, ऐसा टोकरा होना चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत जगह हो, एयर वगैरह आनी चाहिए, टोकरे के अंदर इसको रखना है आपको 3 दिन तक, 3-4 दिन तक उसको रखना है। एक फॉइल वगैरह लगा दो उसके ऊपर, मतलब पैक कर दो, हवा बिल्कुल पास नहीं होनी चाहिए, है ना, ये इस तरह का। हाँ फिर उसके बाद पैक कर दिया। उसके बाद हमने इसको हटाया, तब तक उसमें थोड़ा सा वो लार वगैरह आ गई थी 3 से 4 दिन के बाद। उसके बाद हमने इसको एक इसमें डाला, इसमें डाल के भैया हमने इसको अच्छे से इसको कूटा है। कूटने के बाद हमने ये एक पत्ता जो जंगल से लाए थे उस पत्ते को हमने अच्छे से धोया, धो के उसको अच्छे से सुखा के थोड़ा कड़क किया यहाँ पे आँच के अंदर। और उसके बाद इसको हमने लेके इसके अंदर भर दिया। भरने के बाद इसको एक पैकेट बना दिया। पैकेट बनाने के बाद हमने इसको यहाँ पर इस ओवन के अंदर डाल के इसको हमने पकाया है। सो कि इसके अंदर लगेंगे कम से कम 3 से 4 घंटे लगातार कड़क होने पर, और फिर नेक्स्ट डे उसको फिर से और पकाएंगे 3 से 4 दिन और उसको मतलब हम सेकेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको और भी अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि आपको ये जो डिश थी ये आपको पसंद आई, और सच बता रहा हूँ आप अगर इस डिश को खाओगे इट्स रियली यार इतनी बढ़िया इसकी स्मेल आती है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत तेज़ स्मेल आती है। अगर आपको ये पसंद आएगी ना तो फिर तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, मतलब आप एक दाना भी इसका मुंह पे लोगे ना तो भैया उसका जो स्वाद है ना वो कम से कम 2 से 3 मिनट 5 मिनट आपके जीभ पे रहेगा उसका साथ, है ना अंकल? ऐसा ही होता है, मैंने ट्राई किया था एक बार वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल में। तो चलो यार, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच आंटी जी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कीप ट्रैवल, कीप एंजॉय योर लाइफ, और अच्छा अच्छा बनाइए, अच्छा अच्छा खाइए, और अच्छा अच्छा अपनों को खिलाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। राम भरोसे सब्जी बन रही है हमारी, सब्जी कैसी बनती है दिखाते हैं, और आंटी अंकल सब इधर ही है, ये सब रिव्यू देंगे कि कैसी सब्जी बनी है।